चैनल फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मोरधन के अप्पे बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा खोपरा किसा हुआ, दो बड़े आकार के टमाटर, दो ककड़ी, एक शिमला मिर्ची, दो हरी मिर्ची, थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और रोस्टेड मूंगफली के दाने लिए, इसे मैंने पीस लिया है बारीक। इसी के साथ मैंने 125 ग्राम मोरधन लिया है और इसमें मैं ये दो बड़े चम्मच मैंने साबूदाना लिया, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और हम इसे अच्छे से धो लेंगे। अब तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने मोरधन और साबूदाने को अच्छे से धो लिया है, ऐसे मैंने 15 मिनट रख दिया था। अब मैं इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लूंगी। तो ये देखिए, अब हम इसे इसके अंदर जार के अंदर ऐड कर देते हैं और मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी, एक साथ हल्का सा दरदरा पीस लूंगी मैं इसे। तो अब हम एक एक सामग्री को मिक्स करते जाएंगे। ये मैंने टमाटर, ककड़ी, धनिया, शिमला मिर्ची, हरी मिर्ची और कद्दूकस किया हुआ अदरक, खोपरा, रोस्टेड मैंने मूंगफली के दाने लिए, ये भी मैं बारीक पीसे हुए ऐड कर दूंगी, तो सेंधा नमक है, रॉक साल्ट मैंने लिया है। जो हमने ये साबूदाना और मोरधन पीसा था ये भी हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और अच्छे से हम इसे मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये जो हमारा बैटर है अच्छे से फूल जाए। इसमें हमें आवश्यकता अनुसार पानी ऐड कर लेना है। आप क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं, मैं ये 2 से 3 जनों के लिए ही बना रही हूँ, इसीलिए इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख रही हूँ। जो बैटर है ये बिल्कुल बनकर तैयार है और मैंने ये अप्पे का जो साचा है ये गरम कर लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा तेल ऐड कर देती हूँ सभी के अंदर। अब मैं इसे अच्छे से फैला लूंगी। तेल आपके हिसाब से कम ज्यादा ऐड कर सकते हैं, पर मुझे इसके अंदर थोड़ा तेल ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज्यादा तेल ऐड किया है। अब हम इसे कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। देखिए, अब हम चेक कर लेते हैं, हमारे अप्पे हो चुके हैं अच्छे से। तो हम इसे पलटा लेते हैं, ये देखिए इस तरह से ये क्रिस्पी हो चुके हैं हमारे अप्पे जो है। सभी को हम 1 बाय 1 करके इसे पलटा देते अच्छे से और एक बार और हम कवर कर देंगे जो कि हमारे जो अप्पे हैं वो दोनों साइड से हो जाए। तो देखिए, अब हमारे जो अप्पे हैं ये अच्छे से पक चुके हैं दोनों साइड से। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम अप्पे भी बना सकते हैं इसके और इस तरह से चीले भी बना सकते हैं, हम इसे दोनों प्रकार से बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आप घर पर जरूर ट्राई कीजिए इसे। थैंक यू।